हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी एंड और इंडिया के नंबर वन करंट अफेयर्स चैनल करंट अफेयर्स 101 पर। डियर फ्रेंड, जहां पर एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूं हमारी जो इवनिंग करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं उनके साथ, और फिर से करंट अफेयर्स से जुड़े हुए किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये मुद्दा है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, डियर फ्रेंड। और वेस्ट बंगाल की कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है कि दे नीड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात वेस्ट बंगाल में क्यों की जा रही है, किस प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जा सकता है, इस बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की उपयोगिता क्या है। जिस तरह से केंद्र के स्तर पर आपके पास एक बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, जहां पर आपके पास लोकसभा है, जहां पर आपके पास राज्यसभा है, उसी तरह से राज्य के स्तर पर, हालांकि ज्यादातर राज्यों में केवल यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, वहां पर विधानसभाएं हैं, बट कुछ राज्यों में, प्रेजेंटली 6 राज्यों में आपके पास क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया कि उन्हें नहीं चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसे हटा दिया गया है। अब वेस्ट बंगाल चाहते हैं कि उन्हें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलनी चाहिए। हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे, डियर फ्रेंड, कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मुद्दा है, ये क्यों इस तरह से सामने आता है, और इसको बनाने का या इसको एबॉलिश करने का फाइनल जो राइट है, फाइनल जो इसके बारे में अथॉरिटी है, वो किसके पास है। तो सभी का स्वागत है जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वेस्ट बंगाल क्यों जरूरी अपने लिए समझ रहे हैं, इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे अनअकैडमी ऐप के बारे में, कि यदि आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको क्विजेस हैं, स्पेशल क्लासेस है जिनके थ्रू हमारे मेंटर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, और प्लस कोर्सेज है जिनके थ्रू आप स्ट्रक्चर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, दैट इज PSS10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है, जिससे आप अवेल कर सकते हैं। गुरुकुल 2 की ये टीम जो आपके साथ लगी हुई है आपकी प्रीलिम्स की जर्नी में, जिसका एक नया वर्जन गुरुकुल प्लस भी आपके सामने आ रहा है, और जिसके माध्यम से और ज़्यादा स्ट्रक्चर तरीके से आपको प्रिपरेशन कराने की जरूरत की आवश्यकता है, और इसके लिए हम प्रयास करें, डियर फ्रेंड। तो ये गुरुकुल प्लस क्या है, इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, कि अगर मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट हैं, वो मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। दैट एडवांटेज यू मे टेक, डियर फ्रेंड। तो अब बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल को लेकर यहाँ पर क्या बातें की जा रही हैं। और देखिए, वेस्ट बंगाल की सीएम, जिनको आप देख सकते हैं, ममता बनर्जी जी, एक बड़े मैंडेट के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनी है, और रिसेंटली इनके जो कैबिनेट है, उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है कि वेस्ट बंगाल को जरूरत है किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद की बात वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में क्यों की जा रही है, इसके बारे में हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे, डियर फ्रेंड, कि वाई दे आर टॉकिंग अबाउट ए सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो वाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन न्यूज, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ प्रपोजल वेस्ट बंगाल देते हैं तो केंद्र के पास क्या ऑप्शंस हैं। दिस थिंग आई विल ट्राई टू डिस्कस विद यू पीपल। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों होती है, ये भी हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे, डियर फ्रेंड। कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जा सकता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, कौन से लोग इसमें होते हैं, ये बात मैं आपको इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीजें एक एक कर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों वेस्ट बंगाल में इस तरह की बातें की जा रही हैं। और रिसेंटली यहां पर बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विल सेटअप ए लेजिस्लेटिव काउंसिल एज पर द डिसीजन विच वॉज टेकन एट द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। तो वहां के जो मंत्रिमंडल है वेस्ट बंगाल का, जो कैबिनेट है, उन्होंने इसके संबंधित एक प्रस्ताव क्या किया, पारित किया, ऐसा डिसीजन लिया कि भाई हमें अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक विधान परिषद की जरूरत है। 1969 तक ऐसी बातें की जा रही हैं कि वेस्ट बंगाल के पास विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ भी करती थी, बाद में उसे एबॉलिश कर दिया गया था। अगेन नाउ दे वॉन्ट वॉट ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इस वजह से ये मुद्दा न्यूज में है। और ये न्यूज में इस तरह के जब भी मुद्दे आते हैं, डियर फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, और ऐसा कोई प्रस्ताव यदि राज्य ने इंट्रोड्यूस किया, राज्य विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उसे गवर्नर जो राज्यपाल है उनसे इसको अनुमति भी मिल गई, मतलब अगर वेस्ट बंगाल की जो विधानसभा है उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विशेष बहुमत से क्या किया, पारित किया, और गवर्नर की उसको एक्सेंट मिल भी जाती है, उसे उसका अप्रूवल मिल भी जाता है,
तो आगे क्या होगा ये मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि आगे का रास्ता क्या आता है। बट उसके पहले थोड़ा सा एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो राज्य के स्तर पर इसे अपर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा जिसे केंद्र के स्तर पर सेंटर के लेवल पर, डियर फ्रेंड, सेंटर के लेवल पर इसे अपर हाउस बोलते हैं, दोनों में अंतर क्या है? बोले कि ये भी परमानेंट हाउस है राज्य के स्तर पर और ये भी परमानेंट हाउस है केंद्र के स्तर पर। यहां पर बोले कि इट कैन बी क्रिएटेड बाई दिस स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड बाई मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इस मेजोरिटी के साथ यदि राज्य की विधानसभा ऐसा कोई प्रपोजल भेजे किसके पास? केंद्र के पास। और केंद्र में भी ये जो प्रपोजल है ये सिंपल बहुमत से क्या हो जाए, पारित हो जाए, तब उस पर्टिकुलर राज्य के लिए विधान परिषद का गठन किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 169 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे जाकर मैं आपको ये भी बताऊंगा। बट राज्यसभा के केस में क्या बोल रहे हैं कि संविधान आने के बाद से ही ऐसी बात की गई थी कि सेंट्रल के लेवल पर एक बाइकैमरल लेजिस्लेशन होगा और ये एक परमानेंट बॉडी है, डियर फ्रेंड, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड और न ही इसे डिसमेंटल किया जा सकता है, न तो इसे भंग किया जा सकता है और न ही इसे डिसमेंटल किया जा सकता है। राज्यसभा और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके बीच में एक और इंपॉर्टेंट अंतर है कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ व्हाट? राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, बट ऐसा विधान परिषद के केस में नहीं है। राज्य के स्तर पर जो अपर हाउस है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके जो चेयरमैन है इनका चुनाव, डियर फ्रेंड, सदस्यों के मध्य से ही होता है। एंड वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट जो काउंसिल के चेयरमैन है ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो से यस कि दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज अपर हाउस एट प्रोविंशियल लेवल एंड राज्यसभा दैट इज अपर हाउस एट सेंट्रल लेवल। ये अंतर समझ पा रहे हैं, डियर फ्रेंड, या नहीं? अगर समझ पा रहे हैं तो से यस कि दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। देन दूसरी बात यहां पर क्या की जा रही है, डियर फ्रेंड, जिसे हमें समझने की जरूरत है कि ये जो विधान परिषद है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो बोले कि केंद्र के स्तर पर तो आपके पास बाइकैमरल लेजिस्लेशन पहले से ही है, दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आपके पास पहले से हैं, लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा बोलते हैं, पीपल्स हाउस बोलते हैं, पॉपुलर हाउस बोलते हैं, वैसा तो केंद्र के स्तर पर है, बट राज्य में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि हर राज्य के पास विधान परिषद और विधानसभा दोनों होगी। मोस्ट ऑफ जो स्टेट हैं उनके पास विधानसभा है, विधान परिषद ऑप्शनल है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत आप अपनी विधान परिषद क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके लिए एक प्रक्रिया है। क्रिएट करने का जो अधिकार है केंद्रीय संसद के पास है, बट प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे बाय लॉ कैन क्रिएट और एबॉलिश। जो केंद्रीय संसद है वो विधि बनाकर क्रिएट भी कर सकते हैं और एबॉलिश भी कर सकते हैं किसी भी राज्य के लिए विधान परिषद। इससे संबंधित जो प्रस्ताव है उस राज्य की विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि केंद्रीय संसद के लेवल पर सामान्य बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। बट सवाल यह है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा ने विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करके दिया कि भैया हमें विधान परिषद चाहिए, तो क्या यह बाइंडिंग है केंद्र के ऊपर? यदि किसी राज्य की विधानसभा ने बोला कि भैया हमारी विधान परिषद को एबॉलिश कर दिए, तो क्या यह बाइंडिंग है, बाध्यकारी है केंद्र के ऊपर? बाध्यकारी नहीं है, डियर फ्रेंड, बाध्यकारी नहीं है। इस बात को आपको समझने की कोशिश करिएगा कि गेंद अल्टीमेटली केंद्रीय संसद के पाले में है टू क्रिएट और टू एबॉलिश, बट उससे संबंधित प्रस्ताव राज्य की विधानसभा में पारित होना चाहिए, यह एक कंडीशन है। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये आप समझ पा रहे हैं कि राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, बट ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये एक तरह से आप समझिए कि परमानेंट बॉडी उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। इसे क्रिएट किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है और फिर से क्रिएट किया जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश के केस में कहीं भी क्रिएट किया गया होगा, अब अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया। देखिए ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ क्या है, विधान परिषद भी है। तो 1/3 ऑफ जो इसके मेंबर्स होते हैं, डियर फ्रेंड, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बाकी जो 1/3 होते हैं उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि जो लोकल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, वहां से चुनकर आते हैं। देन हमने आपका साथ डिस्कस किया, डियर फ्रेंड, इसके जो सदस्य हैं 1/6 ऑफ द मेंबर्स, 1/12 ऑफ द मेंबर्स,
इस तरह की बातें हमने आपके साथ डिस्कस की जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया कि 1/12 मेंबर्स दे आर कमिंग फ्रॉम टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, सम आर कमिंग फ्रॉम ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्नातक जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से आते हैं, किस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मैंने आपको बताया था जब विधानसभा और विधान परिषद आपको डिटेल में पढ़ाई थी। यहां पर बस आपको समझना है कि इस तरह से कंपोजिशन होता है किसका, विधान परिषद का, और राज्य की विधानसभा द्वारा यदि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित भी किया गया है तो भी ये बाइंडिंग नहीं है किस पर, केंद्रीय संसद के ऊपर। 1/6 जो मेंबर्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज होते हैं, इन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। राज्यसभा के केस में भी आपने देखा था, बट कुछ नई चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। कोऑपरेटिव मूवमेंट की आपको बात मिल रही है कि सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को भी यहां पर नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। और उस समय जब हम राज्यसभा के साथ डिस्कस कर रहे थे तो राज्यसभा में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने यदि किसी के नाम को रिकमेंड किया है नॉमिनेशन के लिए राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति उस पर कोई डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं करते थे। जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस एरिया से जो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ हैं उनकी रिकमेंडेशन केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाती थी। बट राज्य के स्तर पर देखिए ये क्या डिस्क्रिशनरी पावर है क्या राज्यपाल की, ये एक बड़ा विवाद का विषय रहा था, जिसमें राज्य की जो सरकार है उनके द्वारा कुछ नाम रिकमेंड किए गए उनको डिले कर सकते हैं कौन, राज्यपाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि मैंने आपको विधान परिषद के बारे में डिटेल में भी बताया था, बट भविष्य में अगर वेस्ट बंगाल भारत का 7वां ऐसा राज्य बन जाए जिसके पास अपनी विधान परिषद हो, तो देखिए आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रस्ताव यदि उनके कैबिनेट ने पारित किया है तो निश्चित रूप से इसे एक विधायी प्रस्ताव के रूप में ले आएंगे। और जो सदस्य संख्या का जो बहुमत है वो अभी जो सत्ताधीन दल है तृणमूल कांग्रेस उनके फेवर में है, तो निश्चित रूप से विशेष बहुमत से इसे क्या कर ले जाएंगे, पारित करा ले जाएंगे। और उसके बाद ये केंद्र सरकार, केंद्रीय संसद के ऊपर होगा कि वेस्ट बंगाल के लिए एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की जाए या ना क्रिएट की जाए। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा डियर फ्रेंड, और यदि इस तरह के टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, तो यू मे कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी, जहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास तो मैं नहीं बोलूंगा बट अपने अपने सब्जेक्ट के देखे जो अच्छे धुरंधर प्लेयर्स हैं, जो यूपीएससी की फील्ड में जाना पहचाना नाम है, वो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इनकी टीचिंग का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको 4-in-1 ऑफर दिया जा रहा है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। कॉम्बो ऑफर की बात की जा रही है, 25% यहाँ पर आपको GS प्लस ऑप्शनल के साथ प्लस 10% रेफरल बोनस आपको मिल रहा है, इसका फायदा उठा सकते हैं। दो तरह के कोर्सेज हैं, हमने आपके साथ डिस्कस किया, प्लस कोर्सेज हैं, आइकोनिक कोर्सेज हैं, ये एडवांटेज आपको मिल रहे हैं जिनका फायदा ले सकते हैं। आइकोनिक में आपको डेली बेसिस पर मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाती है, एक सेपरेट मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हैं। दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू कैन अवेल। तो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर फ्रेंड, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू।